ओके बच्चे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन टू NaCl, ठीक है, ये रिएक्शन आपको दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ Kp इज नियरली, मतलब Kc इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द Kp। तो इसमें बच्चे बहुत ही इजी, जो आपको रिलेशन कराया था Kp और Kc के बीच में, उसका यूज करेंगे। कुणाल हो गया अटेम्प्ट ये, दिशा एंड कुणाल, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे हो गया। यू नो दिस फॉर्मूला, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, है ना, यही फॉर्मूला है कुणाल, वेयर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर टू बैलेंस तो है ही, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्लोरीन टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बच्चे कितने हैं प्रोडक्ट साइड पर, टू प्लस वन थ्री, और थ्री माइनस टू, बच्चे थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन हो गया, डेल्टा एनजी की वैल्यू वन हो गई, ठीक है, तो वैल्यू बस पुट करनी है आपको, केपी निकालना है यहाँ से, केसी आपको गिवन है, तो कितना टाइम लगेगा देखिए, कितने शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं इसको। यहाँ पर बच्चे आर की वैल्यू आपको देखना है कि कितनी वैल्यू पुट करनी है, तो मोल के अकॉर्डिंग, अगर हमें यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, आर की भी वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड यूनिट अलग अलग होती है, अगर पर मोल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये होगी यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0.813, ठीक है, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 427, तो इसको केल्विन में करना पड़ेगा पहले आपको, 427 प्लस 273 कितना हो गया बच्चे, 700 हो रहा है ना। कुणाल हो गया था ये क्वेश्चन, बच्चे एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, वॉइस क्लियर आ रही मेरी, दिशा एंड कुणाल बच्चे बताइए क्वेश्चन करा या नहीं करा आपने। तो ये 700, हाँ दिशा कितना आंसर आया बच्चे, 700 हो गया टेम्परेचर, तो वैल्यू पुट करिए, तीनों वैल्यू पुट करो, डेल्टा एन वन हो गया, आर और टी, टी की वैल्यू 700, तो और केसी भी आपको दे रखा है, बस जस्ट पुट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा देखो, जो क्वेश्चन में है आई थिंक ये आए 1.75 × 10⁻⁴, तो कैलकुलेट कर लो आप सारी वैल्यूज, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, फर्स्ट तो इजी है, बस ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जो वैल्यू है डेल्टा एन की वो ध्यान रखनी है, एन पी माइनस एन आर करना है आपको, ठीक है, एन पी माइनस एन आर होना चाहिए इसमें, प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर टू बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुणाल, क्वेश्चन नंबर टू, इसमें बच्चे K1 और K2 दो रिएक्शंस के लिए आपको K1 और K2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर दो, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तो हमने रिलेशन बच्चे नोट्स के अंदर मैंने आपको दिए हैं, जब आपको इस तरीके से कोई रिएक्शन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के लिए अलग अलग दे रखा है और फिर किसी थर्ड रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो इस तरह का क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दे रखा है आपको फर्स्ट वाला और सेकंड के लिए K2 की वैल्यू आपको पूछ रहा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखें बच्चे, फर्स्ट रिएक्शन दिशा, फर्स्ट रिएक्शन लिखा है NO गैस प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 गिव्स वन मोल ऑफ NO2, ठीक है, राइट, तो बच्चे ये दूसरे वाले रिएक्शन में यहाँ 2 NO2 है, देखो डिफरेंस आपको दिख रहा है, जस्ट रिवर्स रिएक्शन है, जो फर्स्ट रिएक्शन है द सेकंड वन इज जस्ट द रिवर्स, इसके साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस आपको दिख रहा है, यानी बच्चे अगर पहले रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर लिख लें NO, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन उसके अंदर भी दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी यही था, है ना कुणाल, उसमें भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन है ऐसा, मैंने लास्ट क्लास में कराया था, तो NO2 गैस बन गया यहाँ पर, आप क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रिएक्शन को,
मल्टीप्लाई द कंप्लीट रिएक्शन बाय टू. क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें जो दूसरे रिएक्शन में दिख रहा है, दूसरा रिएक्शन अगर आप देखें तो 2NO2 यहां पर है ना, और इस साइड पर 2NO, और ये हो जाएगा हाफ मोल मल्टीप्लाई बाय टू, ऑब्वियसली 1 मोल. तो ये रिएक्शन के लिए बच्चे जो पहले जो वैल्यू दी हुई है इस रिएक्शन के लिए वो लिख लेते हैं. तो इस रिएक्शन के लिए K1 है, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे रिएक्शन का क्या होगा बच्चे, इस K1 के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, उतना ही आपको बताया था मैंने पावर रेज हो जाती है यहाँ पर. तो K1 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चे, K1 रेज टू द पावर 2, राइट? क्या हो गया, K1 रेज टू द पावर 2, ठीक है. और अगर आप दूसरे रिएक्शन से बच्चे कंपेयर करें तो ये दूसरा वाला रिएक्शन जस्ट इसके रिवर्स है. तो रिवर्स के लिए हमने पढ़ा था, जब कभी ऐसा रिएक्शन हो बच्चे जो रिवर्स दे रखा हो, यानी जिसमें पहले वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरे में रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब ये आपस में रेसिप्रोकल है बच्चे. तो हम ऐसे लिखेंगे K1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K2, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं. ऑप्शन में देखिए ऐसा कोई है, K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 1/K2, या फिर इसको दूसरी फॉर्म कैसे लिख सकते हैं कुणाल, K2 इज इक्वल टू 1/K2. दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे बच्चे, ध्यान देना, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बस आपने इधर इधर आपस में रिप्लेस कर दिए लेफ्ट से राइट, ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, K2 इज इक्वल टू 1/K1, ठीक है कुणाल. सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है. ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे आते हैं, ठीक है. तो कभी भी 2-3 चीजें हैं इसमें जब हमने पढ़ा था, तो जैसे अगर रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी तो पावर रेज हो जाएगी, अगर आपका रिवर्स लिखा हुआ है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है. तो सेकेंड हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd पॉइंट कर देते हैं, क्लियर ऑल पॉइंट्स, ओके. क्वेश्चन नंबर 3rd पढ़ो आप, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर कंबशन रिएक्शन है, मीथेन का कंबशन हो रहा है. तो इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा आर एच, मतलब हीट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, हीट ऑफ द रिएक्शन, तो वो है -170. तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये तो आपको दिख रहा है. जब डेल्टा एच की वैल्यू बच्चे किसी भी रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो मैंने बताया था दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर ये पॉजिटिव साइन होता है यहाँ पर दैट मींस दे विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है. तो पहला स्टेटमेंट दिया है इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर आर नॉट इक्वल, पहले ये दिया हुआ है कि जो वाटर और हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है. CO2 और वाटर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है. तो देखो जरा CO2 और वाटर, क्या स्टेटमेंट ठीक है. इसके लिए बच्चे देखो, आप अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखे तो एक काम करो, यहाँ पर आप पहले बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को. तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस, हाइड्रोजन इज बैलेंस, ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है यहाँ पर. तो अगर आप यहाँ पर देखें बच्चे, जितनी कंसंट्रेशन, ये कहना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन आर नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है, ठीक है. तो इक्वल नहीं है ये तो करेक्ट ही है, ठीक है. क्यों, कैसे दिख रहा है बच्चे, स्टोक्योमेट्री देखिए रिएक्शन की दिशा. अगर बच्चे स्टोक्योमेट्री पे ध्यान देंगे तो 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना. और यहाँ पर अगर आप देखें नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस है, अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म हो रहा है तो उसके साथ बच्चे 2 मोल्स वाटर बन रहा है, राइट, सही है, 2 मोल्स वाटर और फॉर्म. तो इसका मतलब स्टोक्योमेट्री के हिसाब से बच्चे इक्वल नहीं होगी. वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, डबल कंसंट्रेशन बनेगी वाटर की. अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्स कंसंट्रेशन होती है लेट से, तो वाटर के कितने बनेगी, 2x, राइट. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें तो नॉट ट्रू बताना है ना, तो स्टेटमेंट करेक्ट है पहला वाला. सेकंड देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp इज इक्वल टू
इसके लिए अगर बच्चे इस रिएक्शन के लिए अगर आपको केपी लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, गैसियस रिएक्टेंट देखने हैं आपको। वाटर के लिए तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर ऑब्वियसली लिक्विड है, तो उसके लिए हम प्रेशर कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली गैसियस देखने हैं आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हो गया स्टोकियोमेट्रिक अकॉर्डिंग वन, नीचे आपका आ जाएगा एक्सप्रेशन CH4, इसके भी स्टोकियोमेट्रिक वन है। ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 रेज कर देंगे यहाँ पर, O2 रेज टू द पावर प्रेशर को, यहाँ पर प्रेशर सबके आगे लग जाएगा। बच्चे मैंने लिखा नहीं है, P है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का स्क्वायर, ठीक है, ये होना चाहिए। बट यहाँ पर देखें एक्सप्रेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन CH4 इंटू O2, तो ये रॉन्ग है, यही स्टेटमेंट आपको चूज करना था, नॉट टू पूछा था, तो सेकेंड वन इज इनकरेक्ट है, राइट। थर्ड भी पढ़ लो, एडिशन ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम विल कॉज ए शिफ्ट टू द राइट, ये अच्छा है। देखो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या दिया है, ली चार्टलियर प्रिंसिपल है ये। अगर बच्चे इसमें मीथेन या ऑक्सीजन का हम एडिशन करते हैं तो कुणाल मीथेन और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स है ना, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ये कह रहे हैं रिएक्शन राइट साइड पर शिफ्ट होगा। अगर किसी रिएक्शन में आपको बताया था मैंने ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग उसके अपोजिट जो है उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को उसी के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो मतलब उसके जस्ट अपोजिट करेगा। तो अगर आपने बच्चे मीथेन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो यहाँ पर तो रिएक्शन दिशा किस साइड पे जाएगा, अगर ओब्वियसली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली रिएक्टेंट आपने इंक्रीज कर दिया, दैट मींस यू आर टेकिंग रिएक्शन टू द बैकवर्ड साइड, है ना, होना क्या चाहिए था, इफेक्ट बैकवर्ड जाना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर, कुणाल ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसको बैलेंस किया जाएगा, रिएक्शन किस साइड पर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम को किस साइड पर ले जाएगा, राइट साइड पर। राइट साइड का मतलब ऑब्वियसली क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है दिशा, ये राइट और लेफ्ट समझ में आता है आपको, जो राइट साइड की बात हो रही है इसका मतलब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड यानी जहां पर प्रोडक्ट फेवर करेंगे, और लेफ्ट साइड का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन यानी जहां पर हम ऑब्वियसली बैकवर्ड साइड की बात करें यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जगह रिएक्टेंट्स इस साइड के जो हमारे जो सब्सटेंस है उसकी फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है ये थर्ड स्टेटमेंट, राइट साइड पर शिफ्ट होगा रिएक्शन, इक्विलिब्रियम राइट साइड पर शिफ्ट होगा, बच्चे इस साइड पर आना चाहेगा फॉरवर्ड में, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो क्या इंपैक्ट होगा, रिएक्शन आप फॉरवर्ड में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन फिर बैकवर्ड चला जाएगा, लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, हमें आंसर तो मिल गया लेकिन फिर भी देख रहे थे, ऑप्शंस भी कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बच्चे, वैसे अभी लेटेस्ट ट्रेंड में तो ये है कि आजकल मैंने बताया था आपको बच्चे एक से ज्यादा ऑप्शंस वाला जो है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो रहा है, इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें एक से ज्यादा मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं, तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ऑब्वियसली ये भी ट्रू है, कुणाल इसका आंसर सेकंड हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो ये बहुत ही पुराने क्वेश्चन है, तो आई थिंक इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकीनेस नहीं है, इजी था, कर दिया आपने फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहां गया नोटेशन, अच्छा ये इसके नीचे छिप जाता है ये, ओके एक बार बच्चे शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था AIPMT 2007 में, ये देखिए थोड़ा सा लेंदी तो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी से कर लेंगे। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर गिवन, तीन रिएक्शंस के लिए बच्चे यहाँ पर इक्विलिब्रियम दे रखा है, रिएक्शन 1, 2 एंड 3, और आपसे पूछा जा रहा है द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट यानी के की वैल्यू निकालनी है आपको, केसी की वैल्यू, और किसके टर्म में, इस रिएक्शन के लिए आपको निकालना है, और कौन कौन से यूज करने चाहिए, K1 K2 K3 का यूज करना है। कैसे करेंगे देखो बच्चे ध्यान से, आपको K1 K2 K3 के टर्म्स में लिखना है, तो पहले तो इस रिएक्शन को ध्यान से समझो आप, रिएक्शन में अगर नोट करेंगे जो यहाँ पर 2NH3 लिखा हुआ है बच्चे, इस साइड पर आपको कुछ दिखा फर्स्ट रिएक्शन के अंदर,
अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स लिख दें, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को लिखो इस तरीके से, 2NH3 gives N2 plus 3S2, ठीक है, तो आपको इसमें दो चीज दिख रही है, यहां आपको अमोनिया वाला ये तो रिएक्टेंट मिल गया, यहां पर रिएक्शन कवर हो रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए बच्चे K1 की वैल्यू क्या होगी, इस रिएक्शन के लिए जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/K1 रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चे, राइट कुणाल, अनूप समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चे ये रिवर्स है रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है उसका मैंने उल्टा यहां पर लिखा है, राइट ना, तो 1/K1 हो गया इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है अनूप, समझ में आ रहा है बच्चे, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब आप जरा देखें दूसरी साइड पर, दूसरा रिएक्टेंट जो दिया हुआ है 5/2O2, इसका मतलब अगर सेकंड और थर्ड रिएक्शन को आपको जोड़ना है दिशा, ठीक है, इन दोनों का यूज करना है बच्चे, और आपको दूसरी तीसरी हिंट कहां से मिल रही है, जब आप इस साइड पर देखेंगे तो 2NO+3H2O लिखा हुआ है ना कुणाल, इसको देखते ही आपको एक बार समझ में आ गई होगी कि दूसरे रिएक्शन में आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थर्ड रिएक्शन को बच्चे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3O2 3H2O दिया हुआ है, राइट। तो एक काम करते हैं हम, थर्ड रिएक्शन को तो कर लेते हैं पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और सेकंड वाले को हमें कुछ भी करने की यहां जरूरत नहीं है सेकंड वाले में, ठीक है, एक बार हाँ, सेकंड रिएक्शन में हमें एज इट इज उठाना है और थर्ड वाले का हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा दोनों के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो बच्चे कितना होगा, अगर आप सेकंड में कोई चेंज नहीं कर रहे तो ये तो एज इट इज K2 आ जाएगा दिशा, ठीक है, सही है, और इस वाले रिएक्शन के लिए थर्ड के लिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, K3 raised to the power 3, ठीक है। अब आप तीनों रिएक्शन को जोड़ दो, आपको क्या करना है, ये वाला रिएक्शन जो इस साइड पर है जो मैंने लिखा है, ये वाला फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये हो गया दूसरा सेकंड और ये हो गया थर्ड, इन तीनों को जोड़ो, जैसे आप तीनों को जोड़ोगे तो आपको सारे रिएक्टेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल यही रिएक्शन आ गया बच्चे, 2NH3 5/2O2 और 2NO, 5/2 कैसे आया देखो, यहां पर O2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3/2 plus 1 बच्चे 5/2 होगा, 3 plus half, नहीं नहीं रुको, 3/2 6, 5/2 चाहिए हमें, तो माइनस करना पड़ेगा हमें बच्चे, हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यस, क्योंकि हमें 5/2 चाहिए ना, 3 प्लस अगर आप इसको जोड़ते हो तो माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2NO, ये हो गया प्लस, ओके, तो अगर तीनों रिएक्शन इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो बच्चे किस तरीके से लिखेंगे हम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को अगर आप लिखोगे तीनों को कंबाइन करके तो हमारे पास जो केस ही आएगा, 3 water 3 hydrogen है इधर, तो हाइड्रोजन तो कट गया यहाँ पर, एक बार मैं काम करता हूँ बच्चे, तीनों रिएक्शंस लिख देता हूँ, ये ऊपर वाला तो लिखा हुआ है मैंने, इसको रब कर लेते हैं ओनली, यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस भी लिख लेते हैं तो क्लियर रहेगा हमें, पहली वाली तो ये मैंने लिख रखी है यहाँ पर फर्स्ट वन, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, अगर सेकंड वाली लिखेंगे तो सेकंड में 2NO आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये एज इट इज आ जाएगा, थर्ड वाली को यहाँ पर खोल के लिख लेता हूँ तो फिर तीनों को ऐड करके दिखाऊंगा आपको, 3 hydrogen और ये हो जाएगा 3/2 O2
और उस साइड पर होगा वाटर के लिए थ्री वाटर। अब जरा तीनों को रिएक्टेंट को अगर देखें बच्चे, तो हमें इस साइड पर क्या क्या रिएक्टेंट चाहिए, राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर देखो तो लेफ्ट साइड पर 2NH3 ये तो हमें मिल गया, 5/2 O2 चाहिए इस साइड पर, ठीक है, और इस साइड पर हमें 2NO+3H2O, तो 3 तो ठीक है, करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। एक बार व्हाट आई एम गेटिंग कंफ्यूज, 3/2 + 1 कितना होगा, ठीक है बच्चे करेक्ट है, ऐड ही करना है दोनों को, फ्रैक्शन ही तो था, 3/5/2 आ गया, ओके। तो आपको बस तीनों रिएक्शंस को जोड़ना है बच्चे, तीनों रिएक्शंस को अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा बच्चे, पहले वाले से अगर देखें, इस साइड पर मैं लिख लेता हूं जो हमें नया के मिलने वाला है, के डैश लिख लेते हैं इसको, राइट साइड पर जो हो रहा है वो देखिए, पहले वाले रिएक्शन का ये है 1/K1, तो ये हो गया 1/K1। अच्छा अगर कोई रिएक्शन बच्चे मैंने बताया था, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस में अगर कोई आप जोड़ना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो रिएक्टेंट्स को, तो उसमें जितने भी जो आपके के की वैल्यू होती है, के जो होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, तो हम कैसे लिखेंगे, 1/K1 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आगे अगला है, क्योंकि K2 तो एज इट इज रखा था हमने, तो K2 यहां हो गया एज इट इज, और K3 हो गया K3^3। So this is should be the correct answer. 1/K1 × K2 × K3, यानी K2 × K3^3/K1 should be the answer. तो ये है यहाँ पर correct option बच्चे, K2 × K3^3/K1. Third is the correct answer. ठीक है, ये सही है बच्चे, सबको समझ में आ गया बच्चे कैसे किया हमने, ठीक है दिशा, कुणाल, ठीक है बच्चे क्लियर हुआ, बताइए। यस सर। यस सर। ओके ओके चलो ठीक है, कितने क्वेश्चंस बच्चे तुम लोगों से हुए हैं या नहीं हुए हैं, सारे करे हैं तुमने या मैं करा रहा हूं तभी आ रहे हैं आपको, ये वाला नहीं हुआ होगा है ना, फोर्थ वाला इस, लेकिन अब आपने एक चीज, हाँ एक चीज आप समझो बच्चे, देखो इजी क्वेश्चन अगर आएगा तो बस डायरेक्ट वाला जैसे बैकवर्ड का पूछ लेगा तो रेसिप्रोकल से निकाल दोगे, थोड़ा सा उसको मुश्किल कैसे कर सकते हैं कि दो रिएक्शन दे दिए हैं, और बल्कि इनफैक्ट इसमें दो भी नहीं तीन दिए थे, जिसमें एक का हमने रेसिप्रोकल किया और फिर दोनों को ऐड करके किया, तो थोड़ा सा आप अगर समझ लो टोटल रिएक्टेंट्स को, आपको बस ट्रिक यहां पर देखनी पड़ेगी, खुद अरेंज करके देखने पड़ेंगे सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आपको क्लियर होते हैं, ठीक है। चलो यहां से हो गया ये, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए गैस AB2 गैस के लिए, यहाँ पर एक बच्चे रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये है रिएक्शन, और इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्स मानना है आपको, काफी छोटा है, स्मॉल कंपेयर टू वन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, जैसे कल हम देख रहे थे तो हमने जो ओस्टवर्ड लॉ देखा था उसमें यही था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जोड़ना है आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट KP के साथ और टोटल प्रेशर P के साथ, तो कैसे आएगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है, टोटल प्रेशर P हो गया हमारा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP हो गया और डिसोसिएशन कांस्टेंट X हो गया, अल्फा होता है वैसे, यहाँ X दिया हुआ है, तो एक रिलेशन बनाना पड़ेगा बच्चे हमें तीनों के बीच में, किस किस के बीच में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया KP के टर्म में, प्रेशर के टर्म में, गैसियस रिएक्टेंट है तो बच्चे प्रेशर के टर्म में आएगा, तीनों गैसियस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो आपने बच्चे मैंने बताया था किसी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दो तरह की कंडीशन जो हम लिखते हैं, एक तो इनिशियल कंडीशन और एक इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन, वो हमें एक्सप्रेशन लिखना है टोटल, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल प्रेशर यहाँ P दे रखा है, टोटल प्रेशर जो P दे रखा है बच्चे, उसकी वैल्यू आपको इन दोनों के टर्म में यानी KP और X के टर्म में निकालनी है, यही है इसमें रिलेशन, द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X विद, बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो एक्स है उसका रिलेशन बाद में करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP एंड टोटल प्रेशर, तो प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर तो दिया हुआ है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए निकालना है तो उसी तरीके से,
ठीक है चलो अच्छा कर लेते हैं एक बार इसको लिखते हैं 2AB2 लुक एट दिस 2AB2 रिएक्शन नोट करो पहले तो सबसे पहले गैसियस होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम है यहाँ पर तो प्रेशर तो सबका ही आना है बैलेंस है रिएक्शन एक बार देख लो 2AB+B2 बैलेंस है बच्चे रिएक्शन तो ये पेन क्यों नहीं चला ओके माउस से अच्छा होता है ये लैपटॉप का सिस्टम तो 2AB2 2AB2 मैं बच्चे डायरेक्ट लिखता हूँ आप यहाँ पर देख लो पहले बैलेंस है ये 2AB2 गेस 2AB+B2 ठीक है तो बैलेंस तो है ए भी बैलेंस है बी नहीं बैलेंस नहीं है बच्चे ये बैलेंस नहीं है 4 है यहाँ पर ठीक है बैलेंस है ऑलरेडी यस बी 2+2 4 हो गया ठीक है तो इसके लिए हम केपी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले आप ऐसे नहीं करेंगे पहले हम स्टार्टिंग में लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए अगर इनिशियली बच्चे देखें मान लो टोटल आपका जो प्रेशर है ठीक है जो टोटल प्रेशर है ठीक है अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ टोटल प्रेशर जो पी दिया हुआ है ये इनिशियल है कि फाइनल है तो अगर नहीं दिया है दैट मीन्स इनिशियल की बात कर रहे हैं ठीक है दिशा तो इनिशियल की बच्चे प्रेशर की बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है रिएक्टेंट के नीचे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मान लो टोटल जो प्रेशर है रिएक्टेंट का बच्चे स्टार्टिंग में वो पी है ना टोटल प्रेशर पी बताया हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टोकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग 2P आपने लिया क्योंकि 2 मोल्स कंज्यूम होंगे इनिशियली 0 मोल्स बनेंगे दोनों के प्रेशर भी 0 होगा प्रोडक्ट्स का और उसके बाद बच्चे आफ्टर सम टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ दी हुई है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है x यहाँ पर दिया हुआ है तो x के टर्म्स में हमें लिखना है कितना कंज्यूम हो जाएगा टोटल प्रेशर 2P में से आफ्टर टाइम t मान लो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x तो मतलब इसमें से x कम हो गया ठीक है स्टोकियोमेट्री अगर देखें तो 2P में से उतना ही डिप हो जाएगा 2P-2X लिख सकते हैं ठीक है 2P-2X और इंटू पी भी आएगा बच्चे क्योंकि प्रेशर के टर्म में है ठीक है तो ये हो गया 2PX लिख सकते हो क्योंकि प्रेशर का ही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने कल भी बताया था बच्चे बेसिकली फ्रैक्शन होता है ठीक है कुणाल तो हम XP लिख सकते हैं इसको और जो प्रोडक्ट बनेंगे स्टोकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग वो कितने होंगे यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी एक्स है तो ये बनेगा 2X और ये बनेगा X राइट है ना अब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वी विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर KP अब लिखिए आप KP का एक्सप्रेशन तो KP का जो एक्सप्रेशन अब आएगा वो हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 2X अच्छा स्टोकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग इसको रेज भी करना है आपको तो 2x का होल स्क्वायर बच्चे 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर ध्यान रखना मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर बच्चों से इसको ये पुट करने में ठीक है 2x का होल स्क्वायर इंटू x ठीक है x को स्क्वायर नहीं करेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर 1 है तो इसलिए रेज नहीं करना है इसको ठीक है अनूप समझ में आ रहा है रिएक्टेंट साइड पर देखोगे तो कितना बचा है यहाँ पर 2P-2XP लिखा हुआ है तो अगर बच्चे यहाँ पर 2P कॉमन ले लें अगर यहाँ 2P कॉमन ले लें तो नीचे बचेगा आपके पास 1-X ठीक है 1-X बचेगा 2 से 2 अच्छा नहीं अभी स्क्वायर पूरा सॉल्व करेंगे अभी डायरेक्ट करेंगे तो मिस्टेक होगी जस्ट ए मिनट यहां तक देख लो ठीक है दिशा यहां तक क्लियर बच्चे मैंने जो लिखा है KP इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इनटू x अपॉन 2P1-X ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में देखो कुछ टर्म्स कट जाएंगे आपस में जब आप स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये आया 4x स्क्वायर या x स्क्वायर को x के साथ ऐड करेंगे पावर तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x क्यूब ठीक है और नीचे आ गया 2P1-X हां वेरी गुड तो 1-X बच्चे देखो ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो x है वो 1 से बहुत छोटा है स्मॉल कंपेयर टू 1 तो इसका मतलब हम इसको 1-X को 1 ही लिख सकते हैं तो x बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको हटा दो इस टर्म में से तो हटा दिया तो आपने KP इक्वल टू ये टर्म आ गया आपके पास इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एक तो मेरा मच्छे माउस रखूंगा कल से मैं आई थिंक वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता मुझे ये चीज का तो दिस
कर्सर इज नॉट मूविंग, ये टच ऐसे ही काम करता है. ओके, टू से टू कट गया, राइट. तो केपी इज इक्वल टू आ गया आपके पास, केपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x³ अपॉन t. अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने x के लिए कहा है आई थिंक. अब इन्होंने बच्चे ये कहा है कि आप x की वैल्यू को एक तरफ रख लो. अगर आप x को एक तरफ रखते हो तो x क्यूब एक तरफ छोड़ देते हैं इसको राइट साइड पर, बाकी सारी चीजें उधर पहुंचा दो. तो ये हो गया p इंटू के पी बाय टू, है ना. ऑप्शन दिख गया होगा सबको, कौन सा है ऑप्शन, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है. क्योंकि ये जो रेज पावर जो उधर जाएगी जब आप x को सॉल्व करोगे, है ना कुणाल, तो ये 1/3 हो जाएगी इस साइड पर, राइट साइड पे बच्चे क्या होगा, क्यूब रूट ले लो इसका. तो यानी ये सारा का सारा हो जाएगा p इंटू के पी बाय टू की पावर, कुछ मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई क्या, टू इधर है स्क्वायर फोर, यहाँ बच्चे जो लिख के आ रहा है हमारा सॉल्व करके वो आ रहा है x इज इक्वल टू पी के बी पी इंटू के पी बाय टू पावर 1/3. देखो कुणाल ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 2 kp/p. इन्होंने तो अलग ही एक्सप्रेशन निकाल दिया, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp एंड टोटल प्रेशर. सॉल्व तो बच्चे इसी तरीके से होगा, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, x² × 2² 4, ये तो ठीक है. कुणाल ये कैलकुलेशन तो बच्चे ठीक है ना, इसका आंसर भी बच्चे आई थिंक फर्स्ट ही है, क्योंकि 1/3 पावर का तो टर्म तो ये ही है, फर्स्ट वाला ही आना है. बट आई थिंक मुझे इसमें आंसर में मिस्टेक लग रही है, या तो इन्होंने ये मिसप्रिंटिंग है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि आना तो ऐसे ही चाहिए. x को अगर हमने सॉल्व किया बच्चे, बिल्कुल सेम मेथड है, x³ = p, ये उधर चला गया राइट, तो p kp / 2 यही आना चाहिए. मुझे तो लगता है बच्चे इसमें लिखने में मिस्टेक हुई है, है ना, और पावर के अकॉर्डिंग देखें तो यही आएगा 1/3. चलो इसी तरीके से करना था, नोट कर लो आप तरीका, मेथड नोट कर लो कैसे करना है. तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे, उसमें कोई भी ज्यादा, देखो देखने में कितना भी लंबा क्वेश्चन लगता हो, लेकिन जब आप करोगे इस तरीके से, आपको एक्सप्रेस करोगे, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, मतलब इनिशियल और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को आपको यूज करना है. यस कुणाल सर, समझ नहीं आ रहा सर, बैक से नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा, बैक से नॉइज आ रही है. कुणाल आपको वॉइस क्लियर है, बच्चे माइक तो मेरा यहाँ पर है. अच्छा एक क्वेश्चन किया था कुणाल आपने, समझ में आया मैंने कैसे बताया? यस सर. इसमें आई थिंक बच्चे मिसप्रिंटिंग हुई है, क्योंकि डेफिनेटली हमने जिस तरीके से किया है तरीका तो यही है, मेथड सारा यही जा रहा है. ठीक है दिशा, आवाज आ रही है बच्चे? जो मैंने ये मेथड लिख के दिखाया आपको वो समझ में आ गया, इनिशियल और इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन निकालनी है और बाकी कुछ इसमें है नहीं. अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है सर. अच्छा अच्छा, क्योंकि माइक बच्चे मेरा यहाँ पर कॉलर माइक है वैसे मेरे पास, ठीक है, और वैसे हेडफोन से पढ़ा लूंगा, लेकिन मुझे ना फिर आवाज का पता नहीं चलता, बहुत तेज आवाज आती है, फिर इतना पूरे घर में शोर हो जाएगा. चलो ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको. इसमें करेक्ट आंसर बच्चे हमारा यही है, p kp / 2 की पावर 1/3. फिर भी मैं चेक करूंगा, आई थिंक ये ऑप्शंस में मिस्टेकन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच ही क्वेश्चन हो पाए हैं. क्लास बच्चे रिज्वाइन कर लेना, 2
टू एंड हाफ मिनट्स के बाद कंप्लीट हो रही है. ओके नोटेशन स्क्रीन में भाई. नेक्स्ट चलो ये क्वेश्चन देखो. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एच आई इज गिवन. इस रिएक्शन के लिए बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू आपको दे रखी है 8.0, ठीक है ना. और आपको एस टू प्लस आई टू टू एच आई पूछ लिया. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है. अब बिल्कुल जैसे आपने जो के वाले क्वेश्चन करे हैं उसके जैसा ही है. एच आई वाला रिएक्शन इस साइड पर दे रखा है और उसके ठीक उल्टा रिएक्शन यहाँ पर दे दिया है. लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट भी है कुणाल. क्या है, अगर आप इस साइड पर देख रहे होगे ऊपर वाले रिएक्शन पे तो उसमें खाली एच आई लिखा हुआ है, जबकि इस रिएक्शन में सेकंड वाले रिएक्शन में टू एच आई है. तो हमें पहले फर्स्ट रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा दिशा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो जाएगा टू इंटू एच आई, ठीक है. और ये हो गया वन अपॉन टू एस टू को अगर टू से करोगे तो वन बचेगा हाइड्रोजन, और ये भी आयोडीन हो गया एस टू प्लस आई टू, ठीक है. तो एस टू प्लस आई टू यहाँ पर आ गया. और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के सी है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा टू से, राइट. तो यानी इस रिएक्शन के लिए अगर जो मैंने आपको अभी जो लिख के दिखाया है के डैश लिख लेते हैं, के डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट रेज टू द पावर टू, एट रेज टू द पावर टू है ना, ठीक है कुणाल. तो 64 इसकी वैल्यू हो गई, 64 हो गई. अच्छा, और हमें निकालना किसके लिए है, इस रिएक्शन के लिए नहीं चाहिए दिशा, उसके जस्ट रिवर्स के लिए चाहिए, है ना. तो रिवर्स के लिए यानी ऊपर वाला जो एच आई लिखा हुआ है तो उसका बच्चे आपको इस वाले जो अभी हमने किया है उसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा. दैट मीन्स 1/64 शुड बी द आंसर. अनूप समझ में आया, इसका आंसर 1/64 होगा. कैसे, पहले तो बच्चे आपने देखना है पहले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ये रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर एच आई बना रहा है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड सॉरी एच टू प्लस आयोडीन. तो पहले तो आपको उसको टू से मल्टीप्लाई करना है. फिर आप अगर टू से मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को यानी ये जो मैंने लेफ्ट पर लिखा है इसको इस रिएक्शन के साथ कंपेयर करिए, ठीक उल्टे है यानी रेसिप्रोकल है. अगर इस रिएक्शन के लिए 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है Kc की वैल्यू, तो जो आपको इस रिएक्शन के लिए चाहिए उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/64 हो गया. दिशा आगे समझ में बचे? Yes, sir. चलो इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर आ गया द टोटल प्रेशर. चलो देखते हैं इसको भी करते हैं.